Hello everyone, this is Saksham and today I will be going to explain you the poem Dust of Snow by Robert Frost of First Flight NCERT Class 10th. So, video ko start karne se pehle, if you have not subscribed to my channel, please subscribe to my channel and don't forget to press on the bell icon so that you can get further notifications of posting of my videos. So, it is a poem by the poet Robert Frost. ये जो poem है, इसमें poet ने describe करा है कि किस तरीके से first paragraph में उन्होंने show करा है कि sadness feel कर रहे थे वो, and second paragraph में थोड़ा सा उनके mood में changes आ गए तो वो जो है काफी हैप्पी फील कर रहे थे, काफी मूड का चेंज हो गया था उनमें. सो बेसिकली इस पोएम के अंदर जो पोएट हैं वो कहीं बाहर हैं, यानी कि आउट ऑफ होम. सो वो एक ट्री के नीचे खड़े हुए थे. द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री. सो बेसिकली इस पैराग्राफ के अंदर ये एक तरीके से जो क्रो है, क्रो को क्या माना जाता है, एक बैड ओमन की तरह माना जाता है, एज अ साइन ऑफ डेथ, क्योंकि उसका कलर भी ब्लैक होता है, इवन उसकी साउंड भी जो है थोड़ी सी अच्छी, इवन एज कंपेयर टू अगर हम उसकी कोयल के साथ में उसकी साउंड को कंपेयर करें तो काफी डल साउंड होती है. तो इसीलिए क्रो को एज अ साइन ऑफ ओमन कंपेयर करा गया है. द वे अ क्रो, जिस तरीके से क्रो ने शूक डाउन ऑन मी, और क्रो ने जो है वो शूक करा है, क्या शूक करा है, द डस्ट ऑफ स्नो. उसने, क्रो ने जो स्नो की जो डस्ट है, यानी कि जो स्नो है उसको शूक करा है, फेंका नहीं है, शूक करा है, क्योंकि वो मे बी हो सकता है क्योंकि वहां पर कोल्ड हो तो वो शिवर कर रहा हो, मे बी ठंड के मारे जो है वो उसे ठंड लग रही हो, वो कांप रहा हो, तो उसकी वजह से उसने जो है उसको शिवर करी है, ठीक है, उसको शिवरिंग की वजह से उसने जो है शूक करी है डस्ट. एंड द डस्ट इज आल्सो कंपेयर्ड एज, इसको भी अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मिट्टी से आए हैं और मिट्टी में मिल जाना है. सो ये वाली जो एक लाइन होती है ये थोड़ी सी एक नेगेटिव सी, मतलब है इसके अंदर पॉजिटिविटी पर एक तरीके से हम इसको ये मान सकते हैं कि इसको डस्ट से कंपेयर करा जाता है, डस्ट को भी. तो बेसिकली बस यहाँ डस्ट का ही मीनिंग वैसे है, पर यहाँ अगर हम देखें द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, जिस तरीके से क्रो ने मेरे ऊपर जो स्नो थी उसको शूक करा, उसको झटकाया, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. अब यहाँ पर जो हेमलॉक ट्री है वो भी कैसा होता है, पॉइजनस ट्री होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, तो ये भी क्या है, एक अच्छी चीज नहीं है. मतलब पूरे इस स्टैंजा के अंदर वो बताया गया है कि कैसे कैसे करके, मतलब एक अच्छी फीलिंग्स नहीं है इस पैराग्राफ में. सो हैज गिवन मी अ हार्ट, तो जिस तरीके से उस क्रो ने जो झटकाई थी स्नो, तो स्नो बहुत लाइट वेट की होती है, तो उसकी वजह से जब पोएट की स्किन के ऊपर जब वो पड़ी तो उसके हार्ट में काफ़ी चेंजेस आए, अ चेंज ऑफ मूड, उसके मूड में काफ़ी चेंजेस हुए. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यून, सो उसका जो पार्ट ऑफ डे था, मतलब जो उसने जो दिन अपना र्यून कर लिया था, खराब कर लिया था, वो पार्ट ऑफ डे जो है अब वो उसका अब उसका मूड चेंज हो गया है, तो जो बचा हुआ जो पार्ट है दिन का वो उसका अच्छा हो जाएगा. सो इस पोयम में पोएट हमें ये कहना चाह रहे हैं कि कभी भी हमें जो है निराश नहीं होना चाहिए. हमारे जो भी व्यूज हैं, हमारे जो कभी कभी गलत थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होते हैं, कुछ टाइम बाद जो है वो थॉट जो है टाइम के साथ में चेंज हो जाते हैं. तो हमें हमेशा अपने हार्ट के अंदर जो है गलत चीज़ों को, गलत ख्यालों को हमेशा अपने साथ में नहीं रखना चाहिए. ओके, होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन. फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल.
थैंक यू।